वहीं चंडीगढ़ में यूएलबी विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई बड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दिवाली पर शहरों को जगमग किया जाए, शहरों में साफ सफाई व्यवस्था ठीक रहे, शहरी क्षेत्र में आवारा पशु ना दिखे, चूंकि आवारा पशुओं की दिक्कतें तमाम देखने को मिल रही थी, समाधान शिविर में समस्याओं का समाधान हो, ये तमाम बड़े निर्देश दिए गए। और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि समाधान शिविर में लापरवाहियां ना की जाएं, समस्याओं का समाधान हो, जो कर्मचारी अधिकारी अच्छे से काम करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और जो लापरवाही करेंगे उनके लिए हिदायत दी गई है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कर दिया है। आज यूएलबी डिपार्टमेंट की एक पूरे हरियाणा की वृहद मीटिंग थी, जिसके अंदर जिसकी चेयरमैनशिप माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हुए आवारा पशुओं की बात हो, या गौमाता की गोवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी, जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण हो रहा है, एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे रोड पर जितने भी पशु घूम रहे हैं उनको लेकर, उनको गौशाला के अंदर नंदी हैं चाहे हमारी गायें हैं, उनको अपने गौशाला के अंदर लेकर जाना, इस सब पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी तेज़ी आप लोगों को यूएलबी के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे अन्य जितने भी काम हैं, उसमें तेज़ी लाने के लिए आज ये वृहद मीटिंग है। स्वच्छता, आज दिवाली का जो त्यौहार अगले हफ्ते आ रहा है, और दिवाली के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उनको चाक चौबंद करके बड़ी तेज़ी से उन लाइटों को लगाया जाए, जो खराब लाइटें हैं उनको बदलवाया जाए, और स्वच्छता के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ऐसे निर्देश आज यहाँ से दिए गए। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी रिव्यू किया गया है, बड़ी तेज़ी से उनके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएँ थी वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, और आने वाले एक डेढ़ महीने में हम उस पर काबू पा लेंगे, और जितनी भी जो दिक्कतें हैं क्यों समस्याएँ रेगुलर बड़ी तेज़ी से प्रॉपर्टी आईडी की कम हो रही हैं। समाधान दिवस के अंदर भी अभी पिछले टाइम से, पिछले हफ्ते या पिछले महीने के अनुपात में बहुत कम समस्याएं दर्ज हुई हैं, लेकिन उसका एक पूरी डिटेल चर्चा उस पर होगी है, और आने वाले एक दो महीने में प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बड़ा काम था लेकिन बहुत ही अच्छा काम था कि जो एक हरियाणा को एक नए आयाम देने का काम करेगा और उसके रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त करने का काम करेगा, तो इसमें छोटी मोटी समस्याएं थी उनका सभी का समाधान निकाला हुआ है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, मंगलवार से रेगुलर समाधान दिवस हर जगह पर 2 घंटे के लिए 9 से 11 सभी ऑफिसर्स बैठेंगे, उसका निवारण करने का काम करेंगे।